वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो था टेंस। ओके, तो नेक्स्ट जो हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टूडेंट जो आइडेंटिफिकेशन बताई थी मैंने, वो होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो कौन सी होती है? इज एम आर। ओके, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? इज एम आर। और इसमें इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और एम का यूज आई के साथ होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, चाहे वो कौन से का भी टेंस हो, ठीक है, कौन सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, ओके, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है तो इट मींस कि वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एग्जांपल्स, ही इज नॉट लर्निंग His lesson. Okay student, he is, he क्या है? Singular subject है, singular subject है, इसलिए इसके साथ जो verb use हुई है, helping verb use हुई है, वो कौन सी होगी? Singular is का use होगा। क्यों? क्योंकि मैंने already आप लोगों को बताया था कि जिस verb के अंत में s या es होती है वो कौन सी verb होती है? Singular होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में से इज जो है उसके अंत में क्या है? एस है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? सिंगुलर है। और इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होगा कौन सा होगा? सिंगुलर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब हमें पता है कि भाई कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, इज एम आर के बाद नोट का यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज किया तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ही इज नॉट लर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूटी बता रहा है एक्शन में। ओके, काम जो कर रही, जो एक्शन है, कार्य है, वो चल रहा है। ही इज लेसन, अपना लेसन। He is not learning his lesson. Okay student, तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया? Present continuous tense का negative sentence का example है। अगर not को hide कर दें, hide करें या फिर remove कर दें, हटा दें, तो ये कौन सा बन जाएगा? कौन सा बन जाएगा? Affirmative sentence का example बन जाएगा, ठीक है। कौन से tense का? Affirmative sentence का जो example है वो बन जाएगा फिर ये। अगर नोट का यूज करते हैं स्टूडेंट तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बनता है। Looking at her. You are not looking at her. तुम उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो नहीं देख रहे हो, नहीं आ गया। हिंदी वाक्य में क्या आता है? नहीं आता है,
ओके। और इंग्लिश वाला जो सेंटेंस होता है उसमें नोट का यूज होता है। तो यू क्या है, यू के साथ सिंगुलर प्लूरल ठीक है दोनों में होता है यूज, लेकिन सॉरी ये जो यू सब्जेक्ट है ठीक है, ये इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है या वर्ब यूज होती है वो प्लूरल फॉर्म में ही होती है। ओके अब नेक्स्ट, यू के साथ आर का यूज होगा, तो यू आर नॉट लुकिंग एट हर। ओके दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ओके अगर आगे एड करना चाहते हैं कि भाई वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम एड कर सकते हैं दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं ठीक है। अगर ये बात करें कि वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दे आर, वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं सॉरी ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब हम ये बताएं सेंटेंस में कि वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं ठीक है, तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड ठीक है, वे मैदान में फुटबॉल ठीक है खेल नहीं रहे हैं। ओके दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वे मैदान में, इन मीन्स क्या होता है में ठीक है, वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, इज दैट क्लियर। इसी प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। सेंटेंसेस फॉर्मूला, अब इस ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो कौन सी यूज होगी, इज एम आर, कौन सी यूज होगी, इज एम आर, तो ये कौन सा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज किया जाता है। और ये कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है फॉर्मूले की हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का निशान होता है ठीक है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट वो हमें पता होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो होती है इज एम आर, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर। ओके नेक्स्ट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल्स, Are you praising me? Are you praising me? ये क्या है? Interrogative sentence है ठीक है, जिसकी starting किससे की है? Helping verb से, उसके बाद subject, उसके बाद verb की first form plus ing, okay?
नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है किसी मार्क का सिंबल. ओके तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस किसी मार्क का सिंबल है तो ये कौन सा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. कौन सा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक होता है. तो अब हमें पता है कि इस एम आर का यूज करना है तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है ठीक है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है. तो आर यू प्रेजिंग मी और एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंपल. नेक्स्ट इज सी इज स्विमिंग इन द रिवर इज सी स्विमिंग इन द रिवर ठीक है. अब देखो इज सी सी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना. सी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है कौन सी आएगी सिंगुलर ही आएगी है ना. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी फॉर्म में आएगी सिंगुलर में आएगी. और ऐसे फाइंड ये हो रहा है कि ये सिंगुलर वर्ब है. ओके अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो इज सी स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी स्विमिंग इन द रिवर. ओके तो ये कौन सा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. ओके इनसे क्या पूछे जाते हैं पर्सन पूछे जाते हैं अबाउट पर्सन और थिंग्स. ओके या तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या पूछे जाते हैं पर्सन पूछे जाते हैं. ओके और इन्हें क्या कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इज दैट क्लियर. जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ बात की जाए तो आर यू प्रेजिंग मी क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो क्या क्या है पर्सन है पर्सन पूछ रहा हूँ है ना. फिर इस स्विमिंग इन द रिवर क्या वह नदी में तैर रही है स्विमिंग कर रही है तो ये क्या हो गया पर्सन हो गया है ना. तो ये कौन से हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले हुए ठीक है. इंटरोगेटिव तक आया समझ में. अब यहाँ पर एम एम का यूज होता है एम आई टीचिंग यू एम आई टीचिंग यू क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस है पर्सन पूछा है मैंने है ना एम आई टीचिंग यू तुम क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. अब क्या से स्टार्ट है और एंड ऑफ द सेंटेंस ये स्टार्टिंग किससे है हेल्पिंग वर्ब आई सॉरी एम से है ठीक है क्योंकि आई के साथ एम का यूज किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में उनके साथ आर का यूज किया जाता है. ओके तो यहाँ पर एम आई टीचिंग यू एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंपल है तो ये कौन से हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए. ओके अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट जिनकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से. ओके उसके बाद ये जो और है इसको आप रिज्यूम करके चलो सब्जेक्ट ठीक है ये सब्जेक्ट है. इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस जो अभी हमने किए थे उसमें जो स्टार्टिंग की थी वो हेल्पिंग वर्ब से थी तो इसका मतलब इंटरोगेटिव इसकी स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से ठीक है. और को हमने क्या अज्यूम किया है क्या माना है सब्जेक्ट माना है. और नेगेटिव मींस अगर नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं तो उनमें नोट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना. तो कौन से होते हैं नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं और कौन सा बनाना है अब हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो स्टार्टिंग अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट किस मार्क का. अब एग्जाम्पल्स
आर यू नॉट लुकिंग एट मी? आर यू नॉट लुकिंग एट मी? क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? आर यू नॉट लुकिंग एट मी? अब आर का यूज हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बताया था, नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो, ठीक है, नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया, फिर उसके बाद ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये हमने मी का ऑब्जेक्ट का यूज किया, और एंड ऑफ द सेंटेंस किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। इज सी नॉट राइटिंग स्टोरी? इज सी नॉट राइटिंग स्टोरी? इज सी नॉट राइटिंग स्टोरी? क्या वह कहानी नहीं, ओके, स्टार्टिंग किससे है, क्या से है, क्या वह कहानी नहीं लिख रही है, ठीक है, क्या से भी है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या वह कहानी नहीं लिख रही है, तो इज सी नॉट राइटिंग स्टोरी, ओके, और क्या वह कहानी नहीं लिख रही है, तो हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में बात हो रही है, और लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी, प्रोनाउन सी का यूज किया जाता है, ओके, और सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, ओके, तो इज सी नॉट राइटिंग ए स्टोरी, ये कौन से हो गए, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए, आया समझ में, आया समझ में भाई? नेक्स्ट डब्ल्यू एच फैमिली वाले, डब्ल्यू एच फैमिली वाले, डब्ल्यू एच सेंटेंसेस फॉर्मूला, डब्ल्यू एच सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो डब्ल्यू एच फैमिली से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा, ठीक है, तो डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के समाधान से। अब इसमें जैसे कि एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, डब्ल्यू एच फैमिली से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो स्टार्टिंग में क्या है, डब्ल्यू एच है ना, और डब्ल्यू एच के बाद क्या है, जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट है, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान है, ओके, तो अब सेंटेंस क्या है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, डब्ल्यू एच फैमिली से है क्योंकि डब्ल्यू एच स्टार्टिंग में यूज किया है, तो व्हाट आर यू, व्हाट क्या है डब्ल्यू एच फैमिली से, आर क्या हेल्पिंग वर्ब, और यू के अकॉर्डिंग आर का यूज किया हमने, इसके अकॉर्डिंग आर का यूज किया, और डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और नाउ क्या है एडवर्ब, ओके, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान है, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या, वाक्य के सेंटर में बीच में क्या का यूज होता है, और क्या क्या है, व्हाट है ना, व्हाट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, तो ये व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, When is he going to his house? वह अपने घर कब जा रहा है,
ठीक है, वह अपने घर कब जा रहा है, तो कब क्या है, when, ओके कब क्या है, when। तो हमें ये पता चल गया कि भी स्टार्टिंग डब्ल्यू एच फैमिली से होती है और कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, when कहते हैं, तो इसका मतलब डब्ल्यू एच फैमिली से ये है when, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है, वह घर कब जा रहा है, तो वह लड़का है, लड़के के लिए हमने ही का यूज किया और ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, आया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू हिज हाउस और पर्सनवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट Why they are songs? Why are they listening songs in the class? Why are they listening songs in the class? कि वे क्लास में गाने क्यों सुन रहे हैं, ठीक है, तो क्यों क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली से क्यों, क्यों का इंग्लिश में क्या कहते हैं, why, तो why are they, according to helping verb का यूज किया आपने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या प्लूरल फॉर्म में, इसलिए आर का यूज किया, तो why are they listening songs in the class, और एंड ऑफ द सेंटेंस किसन मार्क का निशान यूज किया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट और फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आने चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट है एडवर्बियल्स, एडवर्ब, एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एट दिस टाइम, मोमेंट, नाउअडेज, Now, these days, it is etc. Adverbials of present continuous tense. तो ये student present continuous tense की adverbials है, at this time, moment, nowadays, now, these days. इनसे ये पता चलता है कि स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही उपयोग करना है, इज दैट क्लियर। अब अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं, मोहन,
स्टूडेंट ये एग्जाम्पल्स है, इसमें ये पता करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स इसी प्रकार से आते हैं एग्जाम में, जैसे कि मोहन फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, फिर स्टिल फिल इन द ब्लैंक और स्लिप दिया हुआ है, तो इसमें किसका यूज होगा? मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का यूज होगा। मोहन इज स्टिल स्लीपिंग। मोहन अभी भी सो रहा है, ठीक है। व्हाट आर फिलिंग सॉरी व्हाट आर यू फिल इन द ब्लैंक ब्रैकेट में डू दीज डेज। व्हाट आर यू फिल इन द ब्लैंक ब्रैकेट में डू और दीज डेज। दीज डेज क्या बताना है? ये कौन से टेंस की एडवर्बियल्स है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स है, हमें ये पता है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, वो कौन सा? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ब्रैकेट में कौन सी दी हुई है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। और इसमें इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है। तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ओके, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, ठीक है। फिर आई एम फिल इन द ब्लैंक ब्रैकेट में टीच नाउ। नाउ किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्बियल्स है, तो इसलिए हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है। तो ब्रैकेट में कौन सी दी हुई है? टीच, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? टीचिंग। नेक्स्ट यू आर फिल इन द ब्लैंक लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू सॉन्ग एट दिस टाइम, इस समय तुम गाने सुन रहे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? यू आर लिसनिंग, क्या आएगा? लिसनिंग। यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग एट दिस टाइम, इस समय आप गाने सुन रहे। तो ये स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तक कंप्लीट हुआ हमारा ये, और आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।